हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं फर्स्ट फ्लाइट की किताब क्लास टेंथ की इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर थर्ड चैप्टर। बिफोर यू स्टार्ट लेट मी रिमाइंड यू दैट यू आर गोइंग टू फेस दिस ईयर बोर्ड एग्जाम, सो डोंट फॉरगेट टू बी सीरियस for your study and don't expect that it may extend. The CBSE will conduct its exam in due date, as usual it happened. So dear students, you must be serious for your study. Aaj hum padhenge third chapter, the first flight, two stories about flight. उड़ने संबंधित दो कहानियां हैं, उसी के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। देखने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। तो आइए हम देखते हैं आज की अध्याय चैप्टर थर्ड। टू स्टोरी अबाउट फ्लाइंग, उड़ने के बारे में दो कहानी है जो हम इस इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर के बुक के तीसरी अध्याय में पाते हैं। यहाँ जब हम पढ़ते हैं, फर्स्ट स्टोरी है हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसका पहली उड़ान, रिटन बाय लियाम ओ फ्लाहर्टी। सेकेंड स्टोरी ब्लैक एरोप्लेन, रिटन बाय फ्रेडरिक फॉरसेथ। आप इसे मत भूलिए, नाम को, नाम कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। बिफोर यू रीड, सिंस द अर्लीस्ट टाइम्स ह्यूमंस हैव ड्रीम्ड ऑफ कंकरिंग द स्काइज, हियर आर टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। कई बार आप लोग कहानियाँ सुने होंगे कि मानव हमेशा चाहता है कि कंकरिंग मतलब विजय हासिल करना, आसमान से माने उतना ऊंचे तक जाना, शिखर तक पहुंचना, ये इंसान का एक सपना होता है। यहाँ पर दो कहानी हम पढ़ेंगे। जो पहला कहानी है ये यंग सीगल के बारे में, जो पहला स्टोरी अफ्रेड टू फ्लाई, वो उड़ने के लिए डर रहा था। हाउ डज ही कंकर हिज फियर, और किस तरह अपने डर पे विजय हासिल किया, अपने डर के ऊपर विजय हासिल किया। एंड सेकेंड ए पायलट इज लॉस्ट इन स्टॉर्म क्लाउड्स, और दूसरा स्टोरी है पायलट कहाँ खो जाता है आसमान में बादलों में, जो ड्रेजलिंग होता है, स्टॉर्म्स होते हैं, आवाज़ बिजली चमकता है, इसके बीच में पायलट खो गया। डज ही अराइव सेफ, हु हेल्प्स हिम, और क्या उस सही सलामत वापस आया, किसने उसे मदद किया। इस दो कहानी को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, आइए हम शुरू करते हैं। हिज फर्स्ट फ्लाइट, पहला स्टोरी है हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसकी पहली उड़ान किसकी है, यंग सीगल। फर्स्ट फ्लाइट ऑफ यंग सीगल, सीगल समुद्र पक्षी कह सकते हैं, जो समुद्र किनारे रहते हैं। उसके आकार कैसे है, शॉर्ट लेग्स, पांव छोटे होते हैं, विंग्स, लॉन्ग विंग्स होते हैं, व्हाइट एंड ग्रे कलर फीदर्स होते हैं, पंख होता है। अलोन ऑन हिज लेज, अपने बसेरा में अकेला बैठा हुआ है। हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर had already flown away the day before, एक दिन पहले ही उसके दो भाई और बहन एक दिन पहले ही उड़ चुके हैं, पहले उड़ान भर चुके हैं। He had been afraid to fly. सीगल क्या है, यंग सीगल, युवा सीगल उड़ने के लिए डर रहा था। He afraid to fly.
विद देम, उनके साथ उड़ान भरने के लिए या उड़ने के लिए डर रहा था. समहाउ व्हेन ही हैड टेकन अ लिटिल रन फॉरवर्ड टू द ब्रिंक ऑफ द लेज एंड अटेम्प्ट टू फ्लैप हिज विंग्स ही बिकेम अफ्रेड. उसने कैसे भी कर कोशिश किया थोड़ा आगे की ओर बढ़ करके, थोड़ा सा जंप करके बने उड़ान भरने के लिए, अपने पंख को फड़फड़ाया पर वो उड़ नहीं पाया, उसे डर गया. द ग्रेट एक्सपांस ऑफ सी स्ट्रेचेड डाउन बीनीथ, और जो विशाल सागर है, समुद्र है जो फैला हुआ है, जो बहुत गहराई तक है, माइल्स ऑफ अंदर माने डाउन में है, इतने गहराई, इसे देख करके वो भयभीत हो गया. ही फेल्ट सर्टन दैट हिज विंग्स कुड नॉट सपोर्ट हिम, और उसने सोचा इतने बड़े समुद्र में इतने गहराई है, इतना दूर फैला हुआ है, मुझे बचा नहीं सकता है और मेरे पंख इसे क्या सपोर्ट नहीं कर सकता है. मेरे पंख जो है, पक्षी कैसे उड़ते हैं बच्चे, पक्षी अपने पंख के सहारे से उड़ते हैं, और ये सपोर्ट नहीं करेगा, अपने आप में भरोसा नहीं किया, अपने पंख पे भरोसा नहीं किया और डर गया. सो ही बेंट हिज हेड एंड रैन अवे बैक टू द लिटिल होल अंडर द लेज वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट, और उसने क्या हुआ, उसने वापस बैक हो गया वहाँ से जहाँ उड़ने के लिए गए हुए थे, वहाँ से बैक हो करके अपने शयन कक्ष जहाँ सोता था, हमें लेज में, लेज में एक सेल की तरह होता है जहाँ वो बसेरा बना कर रहता था. वेर ही स्लेप्ट एट नाइट, और रात को उसी जगह वो सोया. इवन वेन ईच ऑफ हिज ब्रदर्स एंड हिज लिटिल सिस्टर हुज विंग्स वेर फार शॉर्टर देन हिज ओन, और यहाँ तक कि उनके भाई बहन जो हैं, दो भाई और एक बहन जो है, इनके विंग्स, इनके जो पंख है उनसे भी छोटा है, लेकिन उन लोग क्या है, रन टू द ब्रिंक फ्लैप्ड देयर विंग्स एंड फ्लू अवे, उन लोग दौड़ रहे हैं और पंख फड़फड़ाते हुए आवाज़ करते हुए अपने विंग के सहारे वो उड़ रहे हैं. ही फेल टू मस्टर अप करेज टू टेक दैट प्लंग, और उन्होंने यंग सीगल अपने एंकरेजमेंट या अपने साहस को जुटा नहीं पाए. मस्टर मतलब गैदर करना या एक साथ एक सह माने एक अपने आप को करेजस करना नहीं कर पाए, और जिससे कि वो कूद पाता और जंप कर पाता. प्लंग मतलब प्लंग मीनिंग इज गिवन हियर प्लंग जंप. वो डर गया, कौन, यंग सीगल व्हिच अपीयर टू हिम सो डिस्परेट, और बहुत ही उसके लिए निराशजनक था, ये डर गया. हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड, उनके पापा मम्मी उसकी ओर आ गए. कॉलिंग टू हिम सियरली, ऊंची आवाज में, पिच माने ऊंची आवाज में उन्होंने कहने लगे, अब डैडी मतलब डांटना, स्कोल्डिंग हिम, थ्रेटनिंग टू लेट हिम स्ट्रैव ऑन हिज लेज अनलेस, अपने बसेरा में भूखा रहने दीजिए, भूखे ऐसे पड़ाने दीजिए, स्ट्रैव मतलब भूखे रहना. और ही फ्लू अवे बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव, लेकिन अपने जान के डर से उसके पापा मम्मी आकर उसे डांट फटकर लगाते हुए वो कहे कि अब ये भूखा ही यहीं पर पड़ा रहने दीजिए, लेकिन वो उड़ नहीं पा रहा था, अपने जान के जान को डरते हुए अपने जीवन का कुछ नष्ट ना हो जाए, जीवन को खोना दे, इसलिए भी इसके अंदर एक डर था और उसी कारण से वो वहीं बैठ पड़ा, वहीं पर पड़ा हुआ था. देट वॉज 24 आवर्स आगो, और ये 24 घंटा पहले की बात है, जो इस तरह डांट लगाने से पहले 24 घंटा पहले की बात है. सिंस देन नोबडी हैड कम नियर हिम, उसके बाद कोई भी उसके करीब नहीं आए, डांट लग उसे डांट के चले गए कि भूखा ही पड़ा रहने दीजिए क्योंकि ये उड़ान नहीं भर रहा है, डर रहा है करके. दे द डे बिफोर ऑल डे लॉन्ग ही हैड वॉच्ड हिज पेरेंट्स फ्लाइंग अबाउट विथ हिज ब्रदर्स, और पूरे दिन रात उसने बिता हुआ दिन में पूरा दिन वो देख रहा था कि इसके पापा मम्मी पेरेंट्स के साथ में किस तरह उसके ब्रदर सिस्टर उड़ रहे हैं, और परफेक्टिंग देम इन द उड़ने के शैली सब सिखाया जा रहा है किस तरह बेहतर से, और आर्ट ऑफ फ्लाइट जो उड़ने के बारे में और भी बेहतर निपुण बना रहे उसके पापा मम्मी. टीचिंग देम हाउ टू स्किम द वेब्स एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश, स्किम द वेब के ऊपर आंधी तूफान जब आता है उसके ऊपर कैसे स्किम करना, स्लाइड मार के जाना, और हाउ टू डाइव, डाइव मतलब जंप करना, ऐसे नीचे जंप करते हैं फॉर फिश, और ऐसे जंप कर किस तरह मछलियाँ पकड़ते हैं, ये सारे सिखा रहे हैं.
कौन, उसके पेरेंट्स, उनके भाई बहनों को. ही हैड इन फैक्ट सीन हिज ओल्डर ब्रदर कैच हिज फर्स्ट हियरिंग. हियरिंग मीन्स इट गेन सॉफ्ट फिन सी फिश, एक प्रकार का मछली है, जो पहली शिकार अपने भाई, उसने देखा कि अपना भाई जो है पहली शिकार मछली एक पकड़ करके उसे खा गया, उसे निगल गया. स्टैंडिंग ऑन ए रॉक, एक चट्टान पे खड़े होकर, व्हाइल हिज पेरेंट्स सर्कल अराउंड रेजिंग ए प्राउड कैकल, क्यों ना उसके पापा में उसके चारों ओर होते हुए हैं तालियां बजा रहे हैं, आवाज़ कर रहे हैं खुशी के मारे, क्यों ना उसके बच्चे जो इस तरह शिकार करना या अपने आप कर खा पा रहा है. एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली हैड वॉक्ड अबाउट ऑन द प्लेटियो मिड वे डाउन द अपोजिट क्लिफ टंटिंग हिम विद हिज कोवर्ड आइज. और पूरे सुबह के समय, पूरे सुबह वो क्या किए, उसके अपोजिट साइड में पहाड़ी का क्षेत्र के, माने एक ऊंचाई जगह है उसका अपोजिट, सपोज इसके विपरीत में उन लोग दूसरी ओर जा करके उसे टंट मार रहे, उसको कह रहे हैं इसके विपरीत उन लोग चले गए इस चारों ओर उड़ते रह गए, ये बेचारा यहीं पड़ा था यंग सीगल. और उन लोग उसे थट्टा कर रहे हैं डरपोक कही करके, अपोजिट क्लिप टंटिंग हिम विथ हिज कोबर्डाइज. कोबर्डाइज मतलब डरपोक जो है, वो बोले डर रहा है, डरपोक कह करके उसे ताना मार रहे हैं. द सन वॉज नाउ एसेंडिंग द स्काई ब्लेजिंग ऑन हिज लेज दैट फेस्ट है द साउथ. और सूरज ऊपर की ओर जा रहा है, स्काई की ओर ब्लेजिंग, और चमकीला धूप निकल रहा है उसके लेज, लेज मतलब जो बसे रहा है, जो सेल्स हैं जहाँ रहता है उसी जगह लेज कहा जा रहा है, और उसी की ओर फेस द साउथ, उसी दिशा में, साउथ दिशा में उसकी लेज है, उसी की ओर चमकीला धूप पूरा ब्लेजिंग. ही फेल द हिट बिकॉज ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइट फॉर. और उसने बहुत ही गर्मी को महसूस किया क्योंकि बीते रात से वो कुछ खाया नहीं था. ही स्टेप्ड स्लोली आउट टू द ब्रिंक ऑफ द लेज एंड स्टैंडिंग ऑन द लेग विथ द ब्रिंक. वो क्या किया, धीरे से अपने कदम बढ़ाया और उसने ब्रिंक मतलब किनारे आना, इस किनारे आते हुए उसने एक पैर के बल में खड़ा रहता और बहाना बनाता है शायद वो सोए जैसे. ही फेल्ट दैट हिट बिकॉज ही स्टेप्ड स्लोली आउट टू द ब्रिंक ऑफ द लेज एंड स्टैंडिंग ऑन द लेग विद द अदर लेग हिडन. एक ही पैर में, मैंने एक पैर को छिपा करके एक पैर में खड़े हुए जैसा, अंडर हिज विंग्स उसके पंख में छिपाया था, क्लोज ऑन है आई उसका आंखों को बंद किए. देन द अदर देन द अदर एंड प्रिटेंडेड टू बी फॉलिंग अस्लिप. वो बहाना बनाया जैसा दिखाना चाहता था कि वो सो गया. स्टिल दे लुक नो नोटिस ऑन हिम. इसके बावजूद भी किसी ने उस पर नोटिस नहीं किया. ही सॉ हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर यंग ऑन प्लेटियो. प्लेटियो पठार है, जो समतल जगह होता है पठार की तरह, वहाँ पर उन लोग क्या कर रहे हैं, उन लोग सोए हुए हैं, डोजिंग विद देयर हेड्स और झपकी ले रहे हैं. डोजिंग मतलब झपकी लेना, झपकी ले रहे हैं अपने हेड को अपने नेक के अंदर डालते हुए. पक्षी किस तरह सोते हैं उस तरह अपना गर्दन को झुका करके नेक पे शंख उसे डुबा करके अंदर करते हुए और सोए हैं, झपकी ले रहे हैं. हिज फादर वाज प्रीनिंग द प्रीनिंग इज द मीनिंग इज गिवन मेकिंग एन एफर्ट टू मेंटेन द फिगर. प्रीनिंग मीन्स अपने पंख को साफ करना, मेंटेनिंग करना. द फेदर्स ऑन हिज वाइट बैक, उसके जो सफ़ेद बैक साइड है उसे साफ कर रहे हैं. ओनली हिज मदर हुआज लुकिंग एट हिम, केवल उसका मम्मी यंग सीगल को देख रही थी. शी हुआ स्टैंडिंग ऑन ए लिटिल हाई हम्प. हम्प हम थोड़ा सा समतल जगह पे जो पठार है उसके ऊपर एक हम्प तरह ऐसा थोड़ा चट्टान तरह बना हुआ है, उसी में खड़ी होकर के वो देख रही है. हर वाइट ब्रेस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड, और जो उसकी सफ़ेद सीना है वो आगे की ओर झुका हुआ है. नाउ एंड अगेन, उसके बाद अभी और दोबारा, शी टोर एट ए पीस ऑफ फिश दैट ले एट हर फिट एंड देन स्क्रैप्ड इस साइड ऑन द हर बिक ऑन द रॉक.
और उसने क्या किया, एक टुकड़ा मछली को टुकड़ा कर दे करके अपने पैर के नीचे गिराया और उसने अपने चोंच के सहारा से थपथपाया द रॉक में, चट्टान में, जैसे दिखा करके इसको बुलाया जाता है ना, उस तरह वो ललचा रहे। द साइट ऑफ द फूड मैडन हिम, और जो खाना को, जो मछली को फाड़ करके चीर करके नीचे गिरा करके थपथपा रही है उसका मम्मी, उसे देख करके ये भूख के मारे पागल हो गया। मैडन मतलब भूख से तड़पना या पागल हो जाना, इस तरह वो क्यों ना पूरे 24 घंटे से खाया नहीं कुछ, वो पागल हो गया। हाउ ही लव टू टीयर फूड दैट वे, और वो भी कितना चाहता है कि उस तरह खाना को चीर के इस तरह खाए, इस तरह फाड़ करके। स्क्रैपिंग हिज बिक नाउ एंड अगेन टू वेट इट, वेट मतलब शार्पन करना अपने बिक को, मतलब अपने चोंच को ऐसे ऐसे इधर इधर ऐसे ऐसे करते हैं और अपने शार्प बनाते हैं ना, उस तरह वो बार बार इस तरह यंग सीगल कर रहा था, वो मछली को टुकड़े को देख करके उसको मम्मी जी उसके सामने इस तरह कर रही थी। गा 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 ही क्राइड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड, और उसने गा गा करके उसने कहा, वो रोने लगा, वो चिल्लाने लगा कि कुछ खाना मुझे दीजिए। कोवालो गा कोला सी क्रीम्ड बैक डिसेबली, वो चिल्लाई बहुत आवाज़ करते हुए, जैसे भूखे रहने वाले व्यक्ति जिस तरह चिल्लाते हैं उस तरह का आवाज़ देते हुए उसने चिल्लाया। बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली, और बहुत ही वो बुलाते रह गया। एंड आफ्टर ए मिनट और सो ही अटर्ड ए लॉयलफुल स्ट्रीम, हिज मदर हैड पिक्ड अप ए पीस ऑफ द फिश, और कुछ क्षण के बाद, एक मिनट के बाद वो थोड़ा सा शब्द, थोड़ा सा जॉयफुल, एक प्रकार का आनंद का शब्द उसके ये से निकला, माने थोड़ा सा खुश से भर गया, क्योंकि उसका मम्मी जो है एक मछली का पीस को उठा करके फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम, उसके चारों ओर वो उड़ रही थी, इसलिए वो खुश हो गया, कहीं मुझे दे ना दे, मुझे देने के लिए कर रही है। ही लीन आउट, और उसी के भरोसा में वो लीन होके वहाँ रहा, जिस तरह यहाँ देख सकते सीन, इसी तरह वो ला रही है और दे रही है, फिर थोड़ा दिए जैसे करती है और छिपा ले रही है। ये जो है ईगरली टैपिंग द रॉक, और बहुत ही इच्छुक के साथ में वो टैपिंग मतलब थपथपाना द रॉक, उसके रॉक को थपथपा रहे हैं विथ हिज फिट, अपने पैर से, ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर एज सी फ्लू अक्रॉस, और जिस तरह उसका मम्मी ला करके दे रही है नज़दीक से नज़दीक, तो वो कोशिश कर रहा है कि मैं पा लूँ, ये थपथपा रहा है इसी में, एक ऐसा चोंच में जा करके उसे छीन ले, ये खाने के चक्कर में वो पूरा प्रयास कर रहा है, उसका मम्मी इस तरह प्रयास कर रही है कि उसको उड़ाने के लिए, पर यहाँ पे वो भी कोशिश कर रहा है कैसे मैं खाना ले लूँ मम्मी से। द बट वेन शी वॉज जस्ट अपोजिट टू हिम, जैसे कि वो विपरीत में थी उसका मम्मी, शी हल्टेड हर विंग्स मोशनलेस, और इसी तरह वो रुक गई, मोशनलेस होती है और पूरा थोड़ा समय रुक गई वहीं पर। द पीस ऑफ फिश इन हर बीक ऑलमोस्ट विद इन रिच ऑफ हिज बिक, उस सी गल के करीब जा करके जैसे कि पहुँचे, जैसे थोड़ा समय जिस तरह चित्र में देखे उसी तरह वो रुक गई वहीं पर, उसे चोंच में पहुँचे तरह। ही वेटेड ए मोमेंट इन सरप्राइज, थोड़ा क्षण के लिए वो चकित रह गया, वॉन्डरिंग वाई सी डिड नॉट कम नियर हर, क्यों मम्मी मेरे करीब नहीं आ रही, थोड़ा समय के लिए वो चकित हो गया, और यही चकित हो रहा था कि पता नहीं क्यों वो सरप्राइज कर रहा था, क्यों मम्मी मेरे करीब नहीं आ रही, इतने में रुक गई है। एंड देन मैडन बाय हंगर, और उसने पागल हो गया भूख के मारे, ही डाइव एट हर द फिश, और उसने कूद गया उस फिश के चक्कर में, फिश को पाने के लिए। विथ ए लाउड स्क्रीम ही फेल आउटवर्ड्स, उसने क्या है बाहर की ओर उसने गिर गया, एंड डाउनवर्ड्स इनटू स्पेस, बाहर ऐसे गिर जाना और ऐसे होना ही डाउनवर्ड, दिस इज कॉल्ड आउटवर्ड एंड दिस इज कॉल्ड डाउनवर्ड। सो उसने जंप लगाते हुए फिश
फिश पाने के चक्कर में उसने कूदा और स्पेस में, आसमान में, हवा में वो कूद गया। देन ए मोनस्ट्रो टेरर सीज हिम एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल, और उसके भयानक डर उसके अंदर समा गया। मोनस्ट्रो में हॉरिबल टेरर सीज, इसको एक भय पूरा उसको समा गया उसके अंदर। हार्ट स्टूड स्टिल, ही कुड हियर नथिंग बट इट ओनली लास्टेड ए मिनट, और कुछ वो समझ नहीं पाता, मार सुन नहीं पाता, बस छोड़े क्षण के लिए ऐसा हुआ उसे। द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड, और जैसे ही छोड़े क्षण में ऐसे लगा उसे, पूरा डर लगा उसे, तुरंत उसने क्या किया, उसका पंख पूरा फैल गया आउटवर्ड लाइक दिस, ऐसा फैल गया उसका पंख। उसका पंख निकल आया आउटवर्ड, द विंड रश अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फीदर्स, और जो सीना से जो उसका पंख निकला हुआ है उसे रस, उसे चोटिला करते हुए, उसे चोट पहुंचाते हुए, माने उसे छूते हुए हवा पास कर रहा है, विंड बह रहा है। देन अंडर हिज स्टमक, और उसके पास अपने जो स्टमक के पास से भी हवा चल रहा है। एंड अगेंस्ट हिज विंग्स, उसके विपरीत में, उसका विंग्स के जब हवा, उसका पंख जो तैर रहा है तो लहरें भी होते हैं, उसका विपरीत में चल रहा है। ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर, और उसने महसूस कर पा रहा था उसका जो विंग्स है हवा में किस तरह कटिंग कर रहा है, हवा को काट करके आगे निकल जा रहा है। ही वाज नॉट फॉलिंग हेडलॉन्ग, और उसने जब ये देखा कि जब डाइव लगाया हवा से होते हुए, थोड़ा समय के लिए डर गया, पर उसको देखा कि उसके हवा किस तरह उसके सीने से होके गुजर रहा है, उसके पंख को काटते हुए, पंख को छूते हुए हवा चल रहा है, लेकिन उसको छोड़ते हुए ये आगे बढ़ते जा रहा है एयर को पूरा। एंड डाउनवर्ड आउटवर्ड्स, डाउनवर्ड जैसा वो क्या कर रहा है, ऐसे डाउनवर्ड आउटवर्ड जा रहा है, ऐसा और फैल रहा है, ऐसे होकर उड़ना शुरू कर दिया आउटवर्ड्स। ही वाज नो लॉन्गर अफ्राइड, अभी और डर नहीं लग रहा है, पहले डर के लिए वो क्या है भूखा तड़प रहा था, पर अभी उसको भरोसा हो गया, अभी डर नहीं है। थोड़ा सा मोमेंट के लिए पहली बार डर लगता है, किसी भी काम हासिल करना है तो रिस्क लेना पड़ता है, हो सके पक्षी है इसलिए शायद उन्होंने रिस्क के बारे में समझ लिया था, पर तब पर भी खाने के चक्कर में उसने जंप कूद गया, कूदने के बाद ऑटोमेटिक उसका जो पंख था उसे संभाल लिया। उस जो ही जस्ट फेल्ट ए बिट डीजी, थोड़ा सा उसे चक्कर आया जैसे लगा। देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स, उसके बाद उसने अपना विंग्स को फड़फड़ाया। वंस एंड ही स्कोर अपवर्ड, उसके बाद दोबारा फिर उसने क्या किया, अपवर्ड की ओर, ऊपर की ओर, आसमान की ओर उड़ने लगा। जब अपना पंख फड़फड़ाया तो ऊपर की ओर उड़ने लगा। गा 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 गा, हिज मदर स्विफ्ट पास्ट हिम, उसका मम्मी, स्विफ्ट मतलब मूव रैपिडली, उसका मम्मी पूरा शीघ्रता के साथ आगे उड़ के गई। पास्ट हिम हर विंग्स मेकिंग ए लाउड नॉइस, और उसके पंख जो है बहुत आवाज निकाल रहा था। ही आंसर्ड हर विथ अनदर स्क्रीम, और उस दूसरा वर्ड में और जवाब दे रही थी, किस तरह उड़ रही है स्क्रीम, किस तरह आवाज कर रहा है। देन हिज फादर फ्लू ओवर हिम स्क्रीमिंग, हिज सॉ हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर फ्लाइंग अराउंड हिम करवेटिंग एंड बैंकिंग, और उसके दो ब्रदर एंड सिस्टर क्या कर रहे हैं, उन लोग उड़ रहे हैं, करवेटिंग मतलब उन लोग ऐसे डाइव मारना, ऐसे होना और ऐसे होना, ऐसे करवेटिंग, बैंकिंग इज लाइक दैट एंड करवेटिंग इज लाइक दैट, सोरिंग अगेन दे विल गो लाइक दैट, ऊपर नीचे होके जो उड़ान भर रहे थे वो चीज यहाँ पर कहा जा रहा है। सो हैड नॉट ऑलवेज सोरिंग और डाइविंग, और कूद रहे हैं नीचे की ओर। देन ही कंप्लीटली फॉरगेट दैट ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई, और उसने ये पूरा भूल गया अब कि मैं कभी उड़ भी नहीं सक रहा था। एंड कमांडेड हिमसेल्फ टू डाइव एंड सोर एंड कर्म सिंकिंग स्लोली,
और अभी वो पूरा कमांड भी कर सकता है, किस तरह डाइव करना, किस तरह श्रिंक करना, किस तरह कर्व करना, माने उड़ना, मोड़ना, जोड़ना, इस तरह का पूरा ऊंच नीच होकर नीचे आना, फिर ऊपर उठना, इस तरह का उड़ान उभरने में पूरा सक्षम हो गया। ही वॉज नियर द सी नाउ फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, और पूरा नजदीक समुद्र के नजदीक आ गया और पूरा उसके सीधा उड़ने लगा। फेसिंग स्ट्रेट ओवर आउट ओवर द ओशन, और पूरा सामना करते हुए ओशन के सामने उड़ान भरा। ही सॉ वास्ट ग्रीन सी बीनियथ, और उसने देखा बहुत बड़ा एक हरा भरा उसके नीचे समुद्र है। विथ लिटिल रिजेस मूविंग ओवर, रिजेस मीन्स ए लॉन्ग नैरो हेप ऑफ रिजेस मूविंग ओवर इट, एंड ही टर्न हिज बिग साइडवेज एंड कोर एमूसली, और थोड़ा सा झुक गया उसके बाद उसका बीक पानी में समुद्र की ओर साइडवे थोड़ा झुकाया, टर्न हिज बीक साइडवेज एंड कोर एमूसली, अनजान में उसने कोर अटर का एक शब्द उसने कहा, जिस तरह कि समुद्र में नीचे आया, जब पानी में आ गया तो डूबे जैसा महसूस लगा, पाँव जब अंदर चला गया तो उसने थोड़ा सा पाँव इस तरह का आवाज़ किया। His parents and his brothers and sister had landed on his green flooring. Green flooring तो समुद्र के जो पानी है उसी में उतरे गए और उन लोग आराम से तैर रहे ahead of him. उससे पहले उन लोग उतर गए उसी पानी में और उन्होंने वहीं पे हैं। They were beckoning him. Beckoning मतलब उसको बुलाना, कॉल कर रहे हैं। To him, calling shrilly, he dropped his leg to stand on his green sea. Green sea मतलब जो समुद्र का पानी, उसी में तो कोशिश किया उसे जो बुलाया तो अपने पैर के बल से खड़े होने के लिए। His leg sank into it. लेकिन उसका पानी में पानी के अंदर उसका पैर डूबने लगा। He screamed, वो चिल्लाया with fright, एक डर के साथ उसने चिल्लाया, and attempt to rise again, और दोबारा कोशिश किया, flapping his wing, और उसके पंख को फड़फड़ाते उसने कोशिश किया दोबारा उससे उठने के लिए। बट He was tired and weak with hunger and he could not rise. उसने कोशिश किया अपने पंख को फड़फड़ाते हुए, लेकिन क्योंकि वो बहुत भूखा था और उसे भूख के कारण से वो थक चुका था, he could not rise. Exhausted मतलब पूरा खाली हो गया था उसका पेट by strange exercise, और जिस जो अभी उड़ान भर रहा था उस समझ में नहीं आ रहा था, पूरा खाली था, फिर भी वो खुशी के मारे खुशी से एक उड़ान उसने भरा उड़ने लगा था, जो एक्सरसाइज वो कर रहा था, एक अद्भुत माने एक्सट्रेंज एक्सरसाइज था, उसे समझ में नहीं आ रहा था। हिज फीट सैंक इनटू द ग्रीन सी, और उसके जो पैर हैं ग्रीन सी में डूबने लगा। एंड देन हिज बेली टच इट एंड ही सैंक नो फर्दर, उसका पेट क्या है, बेली क्या है ना, पानी में छूने लगा, उसके बाद वो डूब नहीं पाया। जिस तरह चिड़िया क्या होती है, पंख उसका पैर नीचे चला जाता है, उसके पेट के सहारा में उतना तक वो तैरते रहते हैं और पैर अंदर डूब जाता है, पानी में तैरते रहते हैं। उसके बाद वो भी इस तरह उस जिंदे का पहली बार जो पाँव पानी के अंदर चला गया तो उसे डर लगा था, पर इन्होंने देखा कि उसके बाद उसका जो पेट बेली जो छुआ गया पानी में तो तैरना शुरू कर दिया। ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, तैरना शुरू हुआ। एंड अराउंड हिम हिज फैमिली वॉज स्क्रीमिंग प्रेजिंग हिम, and their brick were offering him scrap of dog fish he had made his first flight, aur uske charon aur uske bhai behno aur papa mein pura khushi aise jhoom uthe the aur use dog fish use diye kyunki pehli udaan aur dar raha tha. Dear student, we can see here some moral lesson also, what we can learn. We should not apply, we should try our best, we should attempt, we should take risks to get some, to achieve something, to new thing. Yes, student, this is the first story, and thereafter we will see second story. Until then, bye.